नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। यूपी की राजनीति में हलचल हर दिन तेज हो रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य के बाद एक और मंत्री ने अखिलेश की मांग का समर्थन किया है। जी हां, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग तेज होती चली जा रही है। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसकी मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया। वहीं अब योगी सरकार के एक और मंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग की और अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य BJP से उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं और अखिलेश का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों का ऑफर दिया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि आप अपने 100 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में आ जाओ और CM कुर्सी ले लो। इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक, जी हाँ, ब्रजेश पाठक भी BJP के डिप्टी CM उत्तर प्रदेश के हैं और इनको भी देखा गया है कि ये समाजवादी पार्टी के एक विधायक के साथ नजर आए। और ये भी कहा जा रहा है कि सुर्खियों में एक तस्वीर भी वायरल हुई, जिस तस्वीर में अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक एक साथ नजर आ रहे थे। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर गांव-गांव जाने की बात कही थी, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से इस मांग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी समाजवादी प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव की इस मांग का पूरी तरीके से समर्थन किया है। संजय निषाद से जब इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातियों की विसंगति जो पिछली सरकारों ने गलत की है, हम अनुसूचित जाति में 70 लाख थे और मधवार के नाम से गिने जाते थे, लेकिन इन लोगों ने हमें गिनते गिनते 7000 कर दिया, हमारा नाम फर्जी पिछड़ी में डाल दिया, वो जातियों को स्थापित करिए और हमें साथ में गिनिए। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संजय निषाद जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश की बात का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या सच में आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन होगा? क्या यहाँ पर जो अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया था, क्या उस ऑफर को स्वीकार कर दिया जाएगा? क्या सच में अब योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में है? ये तमाम सवाल दर्शकों उठ रहे हैं। लेकिन इस खबर को सुनने और समझने के बाद आपको क्या लगता है कि अगला कदम BJP पार्टी का क्या होगा? आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।